अच्छी बात है। कहते हैं कि बदला लेने से माफ कर देने वाला ज्यादा बड़ा होता है, और वैसे मैं उसके दादा को जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। वैसे तो रेपुटेशन इसकी भी बहुत अच्छी है, पढ़ा लिखा है। मैंने उसे माफ नहीं किया, आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। जी जी, मैंने सुनी भी है और समझ भी ली। अरे फैसल, अरे फैसल, अरे तुम लोग आ जाओ, अरे फैसल, अरे फैसल की अम्मा, अरे देखो कौन आया है। मैंने आपसे कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया। हमको पता था तुम हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मारा बच्चा है, वो कहता था हमारा दादा आया उसके कब में, उसका कश्ती खींच के ले जा रहा है। हमने अब्बा की बात पे यकीन ही नहीं किया, हम समझा ये काब है और कुछ नहीं। अरे काश हम अपने अब्बा को रोक लेता। सबर कर दिलावर, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये तो अल्लाह का मर्जी है। रातों को डर के उठ जाता था, हमको बोलता था कि हम मर जाएंगा, हम नहीं बचेंगा। हम उसको बोलता था तुमको कुछ नहीं होएगा, चुप हो जाता था। लेकिन उसको पता था कि उस घर में कुछ दिन का महिमा। बड़ा दाड़े मार मार कर रो रहा था, बोलता था मरने से पहले, उससे बार बार बोलता था कि वक्त तोड़े वक्त तोड़े। हमें सुना है कि दिलावर भी सेलेक्ट हो गया, बाहर मुल्क जाया करेगा खेलने के लिए। इस बात पर तो और रो रहा था, बोलता था बेटे का कुछ ही देख कर जाता। टीवी में भी दिखा रहे थे कि बहुत अच्छा खेलता है, सारा चैनल वाला उसकी खबर चला रहा था। दिलावर चाचा की वफात से बहुत अफसरदा है। हम सब बहुत दुख में, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो अल्लाह का हुक्म है, मरना तो हम सबने है ना। एक बात सोचा है पेशन तुमने, ये गरीब को मौत कितना जल्दी आता है, कितना सस्ता भी। दरअसल आपने मेरी बात मान के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, और मैं एहसान फरामोश तो हूँ नहीं, अपने मोहसिनों को मैं याद रखती हूँ। अच्छा लगा ये सुनकर। दरअसल मुझे आपको बताना ये था कि मैं लियारी में फलाही काम करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं भी आपको इसीलिए फ़ोन कर रहा था, कुछ प्लान है मेरे जहन में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अरे अभी किधर लेके जा रहा है तुम हमको? अरे अम्मा बैठो, छोड़ो बैठो, बैठो, बैठो। उधर भी बैठा था, इधर भी बिठा रहा है हमको, क्या बात है? वो अम्मा, हमको तुमसे एक जरूरी बात करना है। हमेशा से कहता था ना कि हम शादी नहीं कर रहे हैं, हम शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम तुमको कहना चाहता है कि अब हम शादी कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। हम तो तुमको बार बार बोलते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अभी दिलावर के बाप को देखो कैसे चट करके मर गया, पता भी नहीं चला। हम तो सोचता है जब तक हम जिंदा है तेरा खुशी देख ले। बात तो ठीक है अम्मा, और फिर नौशीन का MBBS भी कंप्लीट हो गया है। नौशीन से करेगा तू? क्यों, तुमको पसंद नहीं है? नहीं ठीक है, अच्छा लड़की है, मगर अगर मगर कुछ नहीं अम्मा, हमको शुरू दिन से बहुत अच्छा लगता है, हम उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अब तुमने जब शादी का फैसला कर लिया तो हमसे क्या पूछता है? लेकिन अम्मा, तुम्हारा मर्जी के बगैर भी तो कुछ नहीं हो सकता है ना। हम तेरा खुशी में खुश है। अरे वाह, अरे वाह, अरे तुम लोग का कौन सा खुशी का बात होता है, हम लोग को भी शामिल करो अपना खुशी में। अब्बा इसको ना नौशी पसंद आ गया है, शाहिद से बात करो आप। अरे हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन तू भी हमारे साथ जाएगा। अरे तू माँ इसका, क्यों नहीं जाएगा, हम तो जरूर जाएगा। कैसा कैसा खुश होता है रे। लेकिन बेसल, पहले तेरे को सिंगापुर जाना है। सिंगापुर किधर है? अरे मुल्क से बाहर है। अरे लेकिन क्यों दादा?
अरे बॉक्सिंग का इम्तिहान है, मैडम तुमको भेज रहा है, तो जाओ उधर जाओ, बहुत बड़ा मुकाबला है। हम जरूर जाएंगे दादा, जरूर जाएंगे। अरे वाह, ऐसा कैसा जाएगा? अभी शादी का बात करता है, फिर बाहर जाने का बात करता है, इतना दूर जहाजों का सफर है, कुछ हो गया तो? नहीं बाबा नहीं, हम नहीं जाने देगा, पहले तुम यहाँ शादी करो फिर जाओ। दिलावर के बाप को देखा नहीं, उसका किश्ती कैसा उलट गया, वो अपना बेटे की खुशी भी देख नहीं पाया। बुरे वक्त का क्या पता कब लिखा है। अरे अम्मा, अगर लिखा है तो बुरा वक्त कहीं पर भी आएगा, और वो लिखा जा चुका है तो आके रहेगा ना। और देख, तेरा दुआ है, हमारा साथ है, हमको कुछ नहीं होएगा, हम जाएंगे और जीत के आएगा। अरे दुआ कराओ इसके लिए, दुआ, इसको दुआ का जरूरत है, वहम का नहीं। अरे खुशकिस्मती इसका साथ दे रहा है, वो मैडम भेज रहा है इसको, तो जावे ये क्यों नहीं जाते है? हम जाऊंगा और जीत के भी आऊंगा इंशाल्लाह। हमारे साथ क्यों नहीं जाएगा? वो बोलता है कि हम जाएगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे जाके गपशप मारेगा, फुटबॉल की बातें करेगा, उसके साथ साथ मछली भी पकड़ेगा। अब तेरे को क्या एतराज है? अरे एतराज नहीं है चम्मो, फायदा है हमारा। उसका दोस्त नहीं है शायद, बड़ा अच्छा दाम में मछली बेचता है, बड़े ठेकेदार लोग से उसका लेन देन है, पढ़ा लिखा है ना इसलिए। बस अब तू उससे प्यार से बात करना, अब फुटबॉल की बात बात ना करना उससे। फुटबॉल खेलता है तो खेले, हमको कमा के तो देगा ना। सही बोल रहे तुम। अरे हमको क्या फर्क पड़ना है, हमको तो फर्क पड़ना था तभी वो किसी दफ्तर में नौकरी करता, अभी तो उसका शौक पूरा होगा बच्चों वाला, बस वो कोच हो जाएगा। वो तो हमको बोल रहा था इस तरह हम सबकी जिंदगी बदल देगा। हमको तो नहीं मालूम बगैर पैसा का जिंदगी कैसे बदलता है। इतना पढ़ा लिखा है, जो बोल रहा है तो सच ही होगा ना। अरे पढ़ा लिखा है तो नौकरी का कोशिश क्यों नहीं करता? वो बोलता है कि नौकरी के लिए बाहर की पढ़ाई मांगता है। अरे तुम क्या समझता है शम्मो, ये सारा पाकिस्तान जो नौकरी करता है बाहर का पढ़ा है, कैसा बात करता है तुम भी। अरे कैरियत नहीं है, वो लड़की है ना नौशीन, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, आज सारा लोग उधर ही जमा है शाहिद के घर। कहाँ गई होगी? अरे हमको क्या पता, अब इतना बड़ा लड़की गुम तो हो नहीं सकता है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, जिधर भी गया होगा ना अपनी मर्जी से गया होगा। तो इसका मतलब है कि लड़का वड़का से कोई चक्कर है, कोई टिकाना है उसका। अरे तुम्हारा मतलब है वो किसी लड़के के साथ भाग गया है? तुझको क्या लगता है? माँ बाप को छोड़ सकता है, दियार को नहीं छोड़ेगा। पता नहीं क्या तावीज घोल कर पिला दिया उसको। वो तो शुक्र करो वक्त से पहले हमने इरादा बदल दिया, नहीं तो शादी पक्का हो गया था ना, तो हम इसका सूरत को भी तरस जाना था। आने दो, अभी दो टुक उससे बात करता है हम। अरे यही तो हम बोल रहा हूँ, हमारा मरने के बाद मछली पकड़े या हिरन, हमको क्या फर्क पड़ता है। माँ बाप तो औलाद का तरक्की उसकी जिंदगी में देखना चाहता है ना, ये हमको दिखाता है पुलिस का केस, फुटबॉल का मैच, गवाही का मसला। ये बात तुम सही बोल रहे, हम कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है, फिर अब क्या करें, खुद ही खुद ख्याल आता है। सियाने लोग बोलते हैं जब आदमी का मौत करीब आता है ना तो उसको ऐसे ख्याल आते हैं, उसका माँ बाप को अब में आता है जो अगर मर गया हो तो। तुम ऐसा क्यों बोलता है? अल्लाह तुमको लंबी उम्र दे, हमको तुम्हारा जरूरत है। अरे अंदर से हमको यकीन हो गया दिलावर का माँ, बस तुम हमारे लिए कुल कलमा पढ़ता रहना,
कहते हैं उससे मुर्दे को फायदा होता है। अरे हमको तुम्हारा तकलीफ का एहसास है, हम ये भी समझते हैं कि ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ है, इसको एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा। अरे हम समझता है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ, हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, अगर ये एक दम से जो कयामत गुजरता है या खुद को संभालना बड़ा मुश्किल है। दरअसल आपने मेरी बात मान के मुझे बहुत बड़ा एहसान किया, और मैं एहसान फरामोश तो हूं नहीं, अपने मोहसिनों को मैं याद रखती हूँ। अच्छा लगा ये सुनकर। दरअसल मुझे आपको बताना ये था कि मैं लियारी में फलाही काम करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं भी आपको इसीलिए फोन कर रहा था, कुछ प्लान है मेरे जहन में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अरे हम भी तुम दोनों को बहुत जल्दी कुछ खबरी सुनाएंगा, कसम अगर जीत गया। अरे कैसे नहीं जीतेगा, जीतेगा तुम तो। बस हम सिंगापुर जा रहा हूँ, वहां से अगर जीत के आऊंगा ना, तेरी बॉक्सिंग का दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। अरे तुम बहुत बड़ा बॉक्सर है, बस दुनिया को अब पता चलना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैंने सोचा आप तो अब फोन करेंगी नहीं, मैं ही खैरियत पूछ लूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं सिर्फ काम के लिए आपको याद करती हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आपने मेरी बात मान के मुझे बहुत बड़ा एहसान किया, और मैं एहसान फरामोश तो हूँ नहीं, अपने मोहसिनों को मैं याद रखती हूँ। अच्छा लगा ये सुनकर। दरअसल मुझे आपको बताना ये था कि मैं लियारी में फलाही काम करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं भी आपको इसीलिए फोन कर रहा था, कुछ प्लान है मेरे जहन में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, और आपको वैसे कभी भी कॉल करके बताने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं, आपके लिए वक्त की कोई कैद नहीं। ये ऑफर हमेशा रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ठीक है मैं कल आता हूँ। ठीक है, थैंक यू, इंतजार करूंगी मैं। अल्लाह हाफिज़। जी अम्मा। देख बेटा, हिम्मत ना हारना, मर्द बन, दिल बड़ा कर। तकलीफ मुझे तुझसे ज्यादा है, लेकिन अब तुझको मुझसे ज्यादा हिम्मत से काम लेना है। हम बताए, जब बाप फौत होता है ना, तो दुनिया बेटे को उसकी जगह ले आते हैं, और उसको वो सारे रिश्ते निभाना होते हैं जो उसके बाप ने छोड़े होते हैं। तू हिम्मत ना हारना, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। अम्मा हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा अब्बा इतनी जल्दी चला जाएगा। जाना तो हर इंसान को है, क्या जल्दी क्या देर, चला गया है तो हम जरूर मना, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। याद रखना, हिम्मत हारने वाले पे दुनिया हंसता है। अब्बा ने उस रात पहली दफा हमको बोला था कि जा बेटा जा खेल जाके, और फिर देखो हम सेलेक्ट हो गया, लेकिन अब्बा नहीं रहा ये हमारी खुशी देखने को।
मरने वाला ऐसे ही यादें और बातें छोड़ जाता है, सारी जिंदगी ये चलती रहेंगी। लेकिन देख, तूने हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी माँ के लिए तूने आगे बढ़ना है, हिम्मत करना है हमारे लिए। शाहिद भाई, ये देखो, ये हमको क्या है? अरे ये तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन लेटर है। अरे बस बस, मुबारक हो। हमने कहता था एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा हम अल्लाह से दुआ मांगता था। अरे हम ये खुशखबरी फैसल और दिलावर को देकर आते हैं। अरे नाश्ता तो करके जा, बनाए। अरे हम उन्हीं के साथ नाश्ता कर लेगा, उनको जाके फौरन खुशखबरी देते हैं हम। बनाओ। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे हमको तुम्हारा तकलीफ का एहसास है, हम ये भी समझते हैं कि ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ है, इसको एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा। एम समझता है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ, हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, अगर ये एक दम से जो कयामत गुजरता है, इसलिए खुद को संभालना बड़ा मुश्किल है। अब वो फुटबॉल का टीम वाला तुमको नहीं बुला रहे प्रैक्टिस के लिए? हाँ, कल है हमारा प्रैक्टिस मैच है कल। अरे तो हम तो तुमको यही कहेंगे, तुम जाओ अपना मैच खेलना शुरू करो, खुद को वहां मसरूफ रखो, तुम कल से वहां आने जाना शुरू करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। दरवाजे पे कोई आया है? शायद। अरे आओ रे शायद। कैसे? सुनाओ कैसा है तुम? आज ये लेटर आया है हमारे पास, बहुत बड़ा खुशखबरी है, तुम लोग सुनकर खुश हो जाएगा। अरे तो सुनाओ ना फिर। हमारा एनजीओ रजिस्टर हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। देख लिया, अल्लाह साथ दे रहा है ना हमारे फिर। हम बहुत खुश है आज तो। अरे हम भी तुम दोनों को बहुत जल्दी कुछ खबरी सुनाएंगा, बस हम अगर जीत गया। अरे कैसे नहीं जीतेगा, जीतेगा तुम तो। बस हम सिंगापुर जा रहा हूँ, वहां से अगर जीत के आऊंगा ना, तेरी बॉक्सिंग का दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। अरे तुम बहुत बड़ा बॉक्सर है, बस दुनिया को अब पता चलना बाकी है। सिंगापुर में बड़ा बड़ा बॉक्सर होगा, पूरी दुनिया से खिलाड़ी आएंगे। बस हम आज जीत गया ना तो पूरी दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। अरे तुम जीत के ही आएगा, हमको तुम पर पूरा यकीन है, और तुम्हारा ये आलिया मैडम तो तुम पर बहुत मेहरबान है, बहुत अच्छा इंसान है वो। अरे दुनिया में अच्छे लोगों का कमी नहीं है, अब तुम देखना वो तुम्हारा एनजीओ बनाने में तुम्हारा कितना मदद करता है। हाँ तुम उसको बताओ ना जाके। अरे सब हम ही बताऊंगा क्या, तुम्हारे पास नंबर है, खुद कॉल करो, बताओ उसको। हाँ हम चलते हैं, उसको आराम करना होगा। दिलावर
जिंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश करो। अब चाचा तो वापस तोड़ी आ सकता है। अरे तुम यकीन करो, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। ख्याल रखो अपना। आप तो जानती हैं ना कि मेरी बहन शांजे का मर्डर लियारी में हुआ था। वो मुझसे नाराज होकर अपनी दोस्त तौशीन के पास लियारी ही गई थी। आलिया साहब, हमारी बहुत प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की 50% पार्टनर जो है वो शांजे थी। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी वो तमाम प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर दूँ, ताकि उसको भी सवाब मिलता रहे और मुझे भी ज़हनी सुकून हो जाएगा। ना मुंह लेकर, जाहिर सी बात है, मिलने आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, तुमने इतने जज्बाती अंदाज में कहा, मुझे लग रहा कहीं रिश्ता लेकर ना रहो। इसके लिए भी आ ही जाएगा, भाग के कहाँ जाएगा। अरे नहीं नहीं, भूला मूला नहीं है, बस वो थोड़ा। अगर आपको याद होता तो अब तक आप आ चुके होते ना। आप फिक्र ना करो, हम चक्कर लगाएगा आपके पास। कब आएंगे? बोलती हो तो हम अभी आ जाता है, बाद में हम मसरूफ हो जाएगा तो आ नहीं पाएगा फिर वहाँ। देखना एक दिन हम बहुत बड़ा प्लेयर बनूंगा। अरे हमारा क्या फायदा होगा तुम्हारा प्लेयर बनने से? देखो तुम अभी मैच जीत के आया है, हमारा क्या फायदा हुआ? जब तुम चाहिद के साथ मछलियां पकड़ के आया था तो हमारा फायदा हुआ था, तू कुछ कमा के लाया था, और समझ इस बात को। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन कर रहा है, इसका इस्तकबाल तो करना चाहिए ना हमको। अब हम सिर्फ तुम्हारा नहीं, एक दिन पूरे इलाके का नाम रोशन करूंगा। हाँ वो तो हमको नजर आ रहा है कितना नाम रोशन करेगा। तू क्या करेगा सब पता है हमको, सारा दिन फुटबॉल खेलता है, नाम रोशन करेगा। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, बड़ा जाल फेंक, मछलियां पकड़ ज्यादा, तब हम तुम पर फकर करेगा, इलाके का लोग भी तारीफ करेगा कि हमारा बच्चा कमाऊ निकला है। बस हमने फैसला किया है कि हमको नहीं करना रिश्ता, अगर वो बोलेगा मंजूर है तब भी नहीं करना है। बस शायद हमारा जिगरी दोस्त है, तुमने इतना बड़ा बात हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया, वो तो यही सोचेगा कि हमने तुमसे बोला है वो बात करने को। अरे छोड़ो बातें सुना रहा है, चलो जाल उठाओ, हमारा बाप बन रहा है, चलो जल्दी आओ। अरे अभी तो हम तुमको खिला रहा है, हम नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? तुम कोई लाड साहब का बच्चा नहीं है, ये सब बड़े लोगों का खेल है। बाप का बड़ा फैक्ट्री और मिल होता है तो उसका औलाद ये सब करता है, अच्छा लगता है। तुम एक बात समझ लियो, तुम एक गरीब मचेरे का बेटा है, हम दो दिन समंदर पर ना जावे ना तो तीसरे दिन हमको राशन उधार पे लेना पड़ता है। मगर हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ जिससे सिर्फ खाना खा सके। अरे फुटबॉल खेल के तू क्या कर लेगा? अभी तक तो हमसे मांग के जाता है, फुटबॉल से अपने लिए तो कमा नहीं सका, बोलता है खाने से ज्यादा कमाएगा। तो बच्चा फिर ये चांस क्यों जाया करता है? हमारा दिल कहता है कि तू बढ़ती हो जाएगा, पाकिस्तान की टीम में खेलेगा, हमारे मुल्क का हमारे इलाके का नाम रोशन करेगा। तुम हमसे वादा करो
तुम कल जाएगा और दिल से कहलेगा, ऐसा कहलेगा कि सब हैरान रह जाए। हैं? हाँ बच्चा, शाबाश। सरदार साहब, मैं दूसरे लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचती हूँ। लोगों का मकसद होता है दुनिया में आके पैसे कमाना, जबकि मुझे लगता है कि पैसा ही मकसद नहीं है, बल्कि उसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ, उनके काम आना चाहती हूँ। अब जैसे आप एक दौलतमंद इंसान हैं, खुदा ना खास्ता अगर कल को आप मर जाते हैं तो लोग तो कॉमेंट्स दे के चले जाएंगे कि अमीर आदमी था मर गया, लेकिन अगर वही पैसा आप किसी फलाही काम में इस्तेमाल करेंगे और किसी की मदद करेंगे तो लोग आपको दुआओं में याद रखेंगे, बल्कि आपके जाने के बाद भी आपको अच्छे लफ्जों में याद रखेंगे। एक तो मैं पहले ही आपसे बहुत इम्प्रेस था, तो फिर आपके ख्यालात सुनकर आज तो मैं आपका फैन ही हो गया हूँ। सरदार साहब, मैं फैंस नहीं, मैं दोस्त बनाती हूँ। ये फैन और फेम, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप तो जानती हैं ना कि मेरी बहन शांजे का मर्डर गैरी में हुआ था। वो मुझसे नाराज़ होकर अपनी दोस्त तौशीन के पास ले आ रही गई। आलिया साहब, हमारी बहुत प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की 50% पार्टनर जो है वो चांस है। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी वो तमाम प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर दूँ, ताकि उसको भी सवाब मिलता रहे और मुझे भी ज़हनी सुकून हो जाए। बहुत अच्छा फैसला, क्योंकि आप इस काम में मुझसे बहुत ज़्यादा तजर्बा रखती हैं और आपको बहुत पता है इस काम का, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपके साथ मिलकर ये काम किया जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल करें, मैं आपके साथ हूँ। बस आपका साथ ही तो चाहिए, बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। आप अपनी बहन के नाम से ही ट्रस्ट बनाएं, शांति ट्रस्ट। बाकी उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी पेपर वर्क होगा मैं लॉयर से बात करूंगी, मैं बनवा लूंगी। आप शाहिद के साथ भी तो कोई एनजीओ बना रही हैं? जी, आपको किसने बताया ये? दरअसल पिछले दिनों मेरा लियारी बहुत ज़्यादा आना जाना रहा, तो वहाँ लोगों से पता चला। उन सब ने काफ़ी मेहनत की है, मैंने तो सिर्फ उनका साथ दिया। अब देखें, लियारी में रहते हुए ही एक लड़की ने MBBS कंप्लीट किया, अब वो वहाँ पे अपना एक क्लिनिक बनाना चाहती है, NGO बनाना चाहती है, जो भी बनाना चाहती है, फिर वो वहाँ के लोगों की मदद करना चाहती है ताकि वहाँ के लोग कहीं बाहर ना जाए। नौशीन चांदे की दोस्त, मैंने उसे कॉलेज एडमिशन में बहुत हेल्प की थी शांजे के कहने पर। शांजे से मिलने की तो मेरी हसरत ही रह गई है। मुझे तो ये हसरत है कि काश मेरी बहन घर छोड़ के ना जाती। किसी का नाम तकदीर है जो बदल नहीं सकती। ठीक कह रही हैं आप। हेलो शाहिद साहब, आपने आना था, लगता है भूल ही गए आप। अरे नहीं नहीं, भूला मूला नहीं है, बस वो थोड़ा, अगर आपको याद होता तो अब तक आप आ चुके होते ना। आप फिक्र ना करो, हम चक्कर लगाएगा आपके पास। कब आएंगे? बोलती हो तो हम अभी आ जाता है, बाद में हम मसरूफ हो जाएगा तो आ नहीं पाएगा फिर वहाँ। तो फिर आप अभी आ जाए ना। हाँ ठीक है, फिर हम रास्ते से काम निपटा कर तुम्हारे पास आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, चले मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। ओके हाँ चलो ठीक है, हम आते हैं। अल्लाह हाफिज़। क्या रिश्ता लेकर? नहीं भाई, इतना मुंह लेकर, जाहिर सी बात है मिलने आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, तुमने इतने जज्बाती अंदाज में कहा, मुझे लग रहा कहीं रिश्ता लेकर ना रहो। इसके लिए भी आ ही जाएगा, भाग के कहाँ जाएगा यार। वैसे अगर तुम्हारी उससे हो जाती है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, तो तुम खुश रहोगी। मैडम, अब आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। अगर हम कामयाब हो गया ना तो दुनिया के हर स्टेज पे हम एक ही बात बोलूंगा कि हमारा कामयाबी के पीछे आलिया जमाल के ही आते,
देखो कामयाब इंसान हमेशा अपनी मेहनत अपनी वजह से क्योंकि वो इस काबिल होता है। हाँ ये है वसीला कोई ना कोई बन जाता है लेकिन मेहनत उसी की होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारा वसीला मैं बनूं। किरण वो आ रहा है। क्या रिश्ता लेकर? नहीं भाई नमू लेकर। जाहिर सी बात है मिलने आ रहा है ना। अच्छा अच्छा तुमने इतने जज्बाती अंदाज में कहा मुझे लग रहा कहीं रिश्ता लेकर ना रहो। इसके लिए भी आ ही जाएगा भाग के कहाँ जाएगा। यार वैसे अगर तुम्हारी उससे हो जाती है पढ़ा लिखा है अच्छा है तो तुम खुश रहोगी। अच्छा चलो हटो ना बातें बाद में कर लेंगे मुझे तैयार होने दो देर हो रही है भाई। लोग आपके लिए एक हद तक कोशिश करते हैं आगे कामयाबी आपको खुद हासिल करनी होती है। ये आपका टिकट आ गया इसमें होटल की बुकिंग है सब कुछ इसमें अरेंज कर दिया है। अब वहाँ जाओ जाके अच्छे से खेलो और सैयद हुसैन शाह की तरह लियारी और पाकिस्तान का नाम रोशन करके। इंशाल्लाह मैडम आपको मायूसी नहीं होगा। मुझे यकीन है तुम पर। मैडम अब आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। अगर हम कामयाब हो गया ना तो दुनिया के हर स्टेज पे हम एक ही बात बोलूंगा कि हमारा कामयाबी के पीछे आलिया जमाल का ही हाथ है। देखो कामयाब इंसान हमेशा अपनी मेहनत अपनी वजह से क्योंकि वो इस काबिल होता है। हाँ ये है वसीला कोई ना कोई बन जाता है लेकिन मेहनत उसी की होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारा वसीला मैं बनूं। अरे बहुत कम लोग होता है दुनिया में ऐसा। हाँ हाँ होते तो हैं असल में यही बड़ी बात लेकिन मैं ये अपने बारे में नहीं कह रही। लेकिन हम तो आपके बारे में ही कह रहा हूँ। खैर अब तुम सिंगापुर जा रहे हो। अरे आप भी चले हो अगर पॉसिबल होगी तो। हाँ सोचा तो मैंने यही था कि मैं भी चली जाऊंगी लेकिन ऑफिस के काम इतने हैं इस वक्त मैं इतना बिजी हूँ और फिर तुम्हें पता है डैडी तो है नहीं इस वक्त मुल्क में कैसे जाऊं। अच्छा हमने बड़ा कोशिश किया तुमसे बात करने का लेकिन कभी तुम्हारा घर का लोग तुम्हारे साथ होता है या तो फिर तुम तो यहाँ नजर भी नहीं आता मुझे। और जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि मैं कम से कम नजर आऊं। पर क्यों? क्यों का जवाब तो उन्हें ही मालूम होगा ना। पता है क्या कहता है उस पर भी तैयार हो गया कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा शादी। क्या शादी के लिए मान गए? मजाक कर रहे होंगे। मजाक? उसने मुझसे वाकई पूछा है। वो तो कुछ नहीं कह रही थी हम ही उससे पूछ रहा था कि इतना चुप चुप क्यों रहती है। ओह इतनी फिकर तो क्या जवाब दिया उसने? वो शायद थोड़ा कम गो है पर हमको अच्छा लगता है उसका कम गो होना। अगर इतनी अच्छी लगती है तो शादी क्यों नहीं कर लेते आप उससे? अरे घर में घर रह गया था तुम इतना लेट। अरे हम वो मैडम के पास से आ रहे थे उन्होंने हमको बुलाया था वो हमारा सिंगापुर का वीजा टिकट सब हो गया है ना वहाँ पे रहने का होटल में बहुत अच्छा बंदोबस्त भी किया हो सारा काम कर दिया उसने। यार ये अल्लाह की तरफ से हमारे पास मदद के लिए भेजी गई है। अरे सही बात है पहले हमको ऐसा लगता था कि वो शायद अपना क्लब से खिलवाने के लिए हमारे साथ ये सब कर रहा है। वो भी है लेकिन वो तो पैसल को पसंद करता है ना सबको मालूम है। हाँ ये बात तो ठीक है। हमको ऐसा लगा था बात करते हुए जैसे वो हमको सुना रहा है जैसे वो रिश्ता लेकर आएगा। क्या पता अम्मा तुमको ऐसे ही लगाओ। हमारा बाल सफेद हो गया है तुम क्या समझते है? माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है नौशीन बल्कि मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है।
आपके इलाके में बहुत जल्दी एक वेलफेयर ट्रस्ट बनने वाला है और उससे आप सब लोगों को बहुत फायदा होगा। क्या बदल जाएगा? हमारे लियारी बदल जाएगा, हमने कहा था ना। हम तो चाह रहा था तुम अभी नहीं जाओ, इधर ही रहो, पहले शादी मादी बनाओ, दुल्हन को घर में लाओ, फिर जा मर्जी है जाओ। अरे अम्मा, वो मुकाबले का तारीख निकल जाएगा फिर। अच्छी बात है, तुम जल्दी आ जाएगा ना। अरे अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, हम बस यूं गया और यूं आया। अभी चलना थाने में, तेरे को बताता हूँ, मेरे पास सबूत मौजूद है। अरे दादा उसको फोन करो ना। किसको फोन कर रहे? वो सारे थाने के अंदर ही मिलेंगे। अरे साहब हमारा बात तो सुनो, आप हमको बेगुनाह लेके जा रहे हैं। बेगुनाह लेके जा रहा हूँ? वैसे बहुत बड़ी बात है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपनी मरहूमा बहन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में लोग जिंदा लोगों के लिए नहीं करते। बस मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम उसके लिए कर दूं कि कयामत तक उसको उसका अजर और सवाब मिलता रहे। मेरे पास जो भी कुछ है सब उसी का तो है। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम भी मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, लियारी से खिवाड़ी, लियारी से खिवाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, लियारी से खिवाड़ी, लियारी से खिवाड़ी। खतरे को कांप लिया।